हाय व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू अनदर फ्रेश न्यू वीडियो ऑफ अपग्रेडर्स। और आज की इस वीडियो में हम चार न्यू कंसेप्ट फेसबुक स्क्रीनशॉट प्रोफाइल एडिटिंग करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, तब जाके आपको समझ आएगी। दो आप बना लोगे इजी तरीके से, लेकिन दो आपके लिए न्यू है, मुश्किलें आप नहीं बना सकोगे। अगर आपको PNGs के डाउनलोड करने में कोई भी मसला आ रहा है तो आप मेरी ये वाली वीडियो वॉच करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, तो हम ये वाली फोटोज़ जो बनाएंगे वो पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर बनाएंगे। न्यू वर्जन हम पिक्सार्ट को ओपन कर लेते हैं, प्लस वाले टूल के अंदर जाएंगे और ये वाला बैकग्राउंड एक सेलेक्ट कर लेंगे। ये बैकग्राउंड पे हमने क्या काम करना है, अपना एक स्क्रीनशॉट ऐड करना है। स्क्रीनशॉट आपने अपनी फेसबुक की जो DP है उधर से, प्रोफाइल है उधर से आपने ले लेना है, ठीक है ना। तो ऐड फोटो पे जाके मैंने ये ऐड कर लिया। क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाके इसको जो फालतू एरिया है उसको हम क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप कर लिए, इसको इस साइड पर एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम बैंड वाले टूल पे जाएंगे। बैंड वाले टूल पे गए और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से ये पेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि ये पूरी दीवार पे आ जाए, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो इसके बाद हमने क्या काम करना है, साथ जो अरेज वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, उस अरेज वाले टूल पर जाएंगे और इसको हम अरेज पर आके इसको फालतू एरिया जो चेयर पर आ रहा है, ठीक है ना, मॉडल के, ठीक है ना, हम उसको क्या काम करते हैं, अरेज कर देते हैं। तो आपने इस तरह से इसको बिल्कुल इजी रह के आपने इसको अरेज करते जाना है, ठीक है। तो आपने इसी तरह से हम हाथों से भी अरेज करेंगे ताकि इस तरह से लगे कि बिल्कुल ये रियल है और ये दीवार पे इसी तरह से पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है ना, और आर्टिस्ट ने इसको पेंट किया हुआ है। तो इस तरह से आपने बिल्कुल ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता से करना है। इधर से हम इसको डन कर देते हैं। इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट इफेक्ट्स वाले टूल पे ऊपर, और आज जो न्यू पिक्सार्ट है उसमें सिंपल वाला टूल के अंदर लोम्बो वाला इफेक्ट होगा, और जो पुराना पिक्सार्ट है उसमें FX के अंदर होगा। तो हम सिंपल वाले टूल पे जाएंगे और लोम्बो वाले इफेक्ट पे जाएंगे। लोम्बो पे जाके हमने इसकी अमाउंट को रख देना है 12, और जो विग्नेट है उसको कर रख देना है 9, और इसको इधर से डन कर देना है। और साइड वाले ऑप्शन से हमने इसको सेव कर देना है। ये हमारी पहली जो फोटो कंप्लीट हो चुकी। हम वीडियो के Part 2 की तरफ जाते हैं। तो ये वाला बैकग्राउंड हम इसके बाद सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ऐड फोटो वाले टूल के अंदर जाएंगे और वही वाला काम करेंगे। हमने ये वाली जो स्क्रीनशॉट है वो वाला ऐड करना है। वो वाला स्क्रीनशॉट ऐड करने के क्रॉप वाले टूल पे जाके ये फालतू एरिया हमने इसको क्रॉप कर लेना है। इधर से इसको डन कर देना है। डन करने के बाद इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं, और बैंड वाले टूल पर जाके हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। बैंड वाले टूल पर जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके इसको हल्का सा बड़ा करते हैं, और उसका जो फालतू एरिया हम इसको अरेज करते हैं। साथ अरेज वाला ऑप्शन है, उस अरेज वाले टूल पे हम जाते हैं, ठीक है ना। तो जो ऊपर वाला है इसके, इसको आपने बिल्कुल जूम करना है। जो ऊपर वाला एरिया है जो बाहर जा रहा है, हमने इसको बिल्कुल अरेज करते जाना है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ताकि ये बिल्कुल रियल लगे आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से करना है। तो इधर से हमने इसको टर्न करना है, उधर से हम साइड वाले जो एरो वाला निशान है इससे हम सेव कर लेते हैं डाउनलोड वाले ऑप्शन। अब Part 3 की तरफ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये पूरा देखना है, ठीक है ना, तब जाके आपको समझ आएगी। ऐड फोटो वाले टूल पे गए हैं, क्रॉप वाले टूल को इस्तेमाल करेंगे, फालतू एरिया को कट कर देंगे, ठीक है ना। तो इधर से हम इसको डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपने इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको बैंड वाले टूल पर जाना है, ठीक है ना। बैंड वाले टूल पर जाके आपने इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके इसको बड़ा करना है, इसको अच्छे तरीके से इधर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट हो चुका है, इधर से हमने इसको डन कर दिया। इसके बाद हमने क्या काम है, इस पर टैप करना है। टैप करने के साथ ही इस पर टैप करेंगे और इस पर एडजस्ट पे जाएंगे। एडजस्ट वाला एक टूल होगा, उसके ऊपर आपने जाना है। एडजस्ट पे हम चले गए, उसके बाद सेचुरेशन पे जाएंगे। उसकी सेचुरेशन को बिल्कुल माइनस में करना है, ठीक है ना। तो हमने इसको 100 कर दिया, ठीक है ना, -100 करना है आपने। इधर से आपने इसको डन कर दिया, और साइड वाला जो टूल है डाउनलोड वाला है, इधर से हमने इसको डाउनलोड कर लेना। सेव हो चुकी है हमारी गैलरी में। अब ये 4th वाला, ये भी अंतहाई समझने वाली है। आपने ऐड फोटो वाले टूल पे जाना है। आपने स्क्रीनशॉट कौन से ऐड करने हैं, आपने ब्लैक स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं। आपने अपनी जो FB है, फेसबुक है, उसकी प्रोफाइल पर जाके उसको पहले डार्क मोड पर शिफ्ट करना है, ठीक है ना। डार्क मोड पर शिफ्ट करके फिर आपने ये ब्लैक वाला जो स्क्रीनशॉट है डार्क मोड में आपने वो लेना है, ठीक है ना। बैंड पर जाएंगे और उसको हम स्क्रीन करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, स्क्रीन करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद हमने जो नेक्स्ट काम करना है, इधर से इसको डन करना है, ठीक है ना। ये बड़ा किया, बड़ा करके इसको हाथ पे आपने अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, ताकि जिस तरह से किसी आदमी ने हाथ में पकड़ा। उसके बाद बॉर्डर पे जाएंगे, बॉर्डर पे जाके हमने क्या काम करना है, इसको बॉर्डर हमने रख देना है वाइट। वाइट रखेंगे और इसको 1 पे रख देंगे, किसी
ओके ओपीसीटी को, ठीक है। इधर से हमने इसको डन करना है और इरेज वाले टूल पे जाके, साइड पे जाके हमने जो ऊपर वाला एरिया है जो हमारे उंगलियों पे आया हुआ है हमने उसको अरेज करते जाना है, ठीक है ना। आपने जस्ट ये अरेज करना है, बाकी और नहीं अरेज करना है। ये हमारी फ़ोटो इधर से कंप्लीट हो चुकी है। इधर से हम इसको डन कर देते हैं और साइड वाले ऑप्शन से हमने इसको सेव कर देते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये चार ट्रिक्स, चार कंसेप्ट? वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।